बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होममेड रेसिपी। आज मैं आपको ब्रेड चीज़ बॉल की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया और मैंने दो आलू, जिनको मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया था, तो अब ये डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया, जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी रिमूव कर लिया था, वो डाल देंगे। अब सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अब 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हाफ चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच पीसी हुई काली मिर्च हमने डाल दी। और अब हम चीज़ डाल देंगे, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। दो चम्मच हम मायोनीज के ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिनकी साइडें मैंने रिमूव कर ली थी। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे, तो इसको अब अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है करके, इस तरह से आपने इसकी बॉल बनानी है। तो ये हमारी सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो अब हम बॉल्स को ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो यहाँ पर सारी बॉल्स को हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब एक एक करके बॉल्स हम इसमें डालते जाएंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अब इनका कलर ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बॉल बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती हैं। तो अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, हमारी ब्रेड चीज़ बॉल तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।